Hey guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki and we are going to study the Indian Contract Act 1872, CA Foundation, Unit 3, Other Essential Elements of Contract. आज हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, हम कवर करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे उसकी कैपेसिटी क्या है, कोई भी बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट में घुसना चाहता है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका मतलब समझेंगे, एक और दो एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करेंगे उसके अंदर जो essentials है, meaning क्या है? Capacity refers to the competency. Competency क्या होता है? मेरी भाषा में औकात बोलते हैं उसको कि किसी बंदे की औकात है कि नहीं है. Of the parties देखो भी contract हो रहा है ना तो at least two parties are there. You know A और B समझ लो, कोई भी समझ लो, रमेश और सुरेश समझ लो. Capacity refers to the competency of the parties. जो parties contract करने जा रही है क्या वो competent है कि नहीं है? It is one of the essential elements of to form a valid contract. Section number 11 में क्या बताना चाहती है? Who is competent to contract? ये जो competency है, again repeat करते हैं. Section number 11 सबसे पहले हमें क्या बताना चाहती है कि किसकी औकात है, contract करने की औकात किसकी है? कोई भी व्यक्ति contract कर सकता है. Every person can contract. Every person is competent. हर एक व्यक्ति की contract करने की औकात है. कौन? Who is of the age of majority? जो भी व्यक्ति की majority की age हो चुकी है, किसके हिसाब से? According to the law to which he is subject to. वो जिस भी देश में रह रहा है, जहां पे भी रह रहा है, इसके हिसाब से, उस law के हिसाब से, उसने अपनी age majority को cross कर दी है. बराबर है? India में 18 साल. As well as जिस बंदे का दिमाग साउंड है, मतलब कि वो ल्यूनेटिक नहीं है, मंदबुद्धि नहीं है, एंड एब्सोल्युटली नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच इज सब्जेक्ट. यू नो अगेन सेक्शन 11 आपको क्या बताना चाहता है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको क्या बताना चाहता है? हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपको याद दिला दूं, ये यूनिट 3 है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बरम CA foundation का one of the important unit. Every person is competent to contract. India में हर एक व्यक्ति contract करने के लिए competent है. तीन शर्तें, जिसने भी majority की age को cross कर लिया है, at least 18 साल का है. अगर 18 साल में एक दिन भी कम है ना तो वो contract नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता. According to the law to which he is subject, as well as जिसका दिमाग एकदम साउंड है, मंदबुद्धि नहीं है, वो बंदा बिल्कुल भी मंदबुद्धि नहीं है. As well as third point is not disqualified from contracting by any law to which is subject, he or she, whatever. अब ये जो हम अभी पढ़े ना, हमें दो या तीन मिनट हुए, उसका एनालिसिस फिर से कर लेते हैं ना. देखो तीनों पॉइंट जिसको हमने हाईलाइट किया फिर से पढ़ लेते हैं. एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 11. दिस सेक्शन डील्स विद पर्सनल कैपेसिटी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, है ना. तीनों चीजें अगेन जिसको हमने हाईलाइट किया. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. हर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. कौन? हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी. इंडिया में 18 साल लिख लो. इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब कि वो मंदबुद्धि नहीं है, ल्यूनेटिक नहीं है, हु इज नॉट ल्यूनेटिक एटलीस्ट. एंड थर्ड वन जिसको हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया, इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच इज सब्जेक्ट टू. इसके लिए भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि ड्रीम इलेवन है ना, इट इज अ कैश कंटेस्ट. पहले आपको कैश देना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसके बाद में आप कंटेस्ट कर सकते हो. तो भारत के बहुत सारे, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये बैन है. ड्रीम इलेवन बैन नहीं है, वहां पे कैश कंटेस्ट बैन है. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, यू नो द लिस्ट आप गूगल कर सकते हो, देन यू विल गेट अ 6 और 7 स्टेट फॉर द सीन. यू नो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इसके जो एसेंशियल्स है, ए एज ऑफ मैच्योरिटी. व्हाट इज एज ऑफ मैच्योरिटी ब्रदर्स? 18. एज ऑफ मेजोरिटी, तो भारत में एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी भी एक एक्ट के तहत डिसाइड हुई है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, है ना. दिस इज नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के तहत
In India, the age of majority is regulated by the Indian Majority Act 1875. देखो, every person domiciled in India मतलब resided in India जो भारत में रह रहा है shall attain the age of majority on the completion of भारत में अगर कोई बंदा रह रहा है बंदी भी रह रही है कोई इश्यू नहीं है अगर उसने 18 साल का एज खत्म कर दिया है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसने मेजोरिटी का एज अटेन कर दिया है एज वेल एज एंड नॉट बिफोर दैट द एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 इयर्स अ पर्सन लेस देन दैट इवन बाय डे अगर एक दिन भी छोटा है ना तो उसको हम मेजर नहीं बोल सकते हैं यू नो 17 इयर्स 364 डेज अगर कोई बंदा या 20 साल की है ना तो उसको हम माइनर ही बोलते हैं you know would be minor for the purpose of contracting minor kabhi bhi contract nahi kar sakta kabhi bhi nahi kar sakta law relating to minors agreement aur position of a minor kya hai kya kisi minor ke upar kabhi case ho sakta hai kabhi nahi ho sakta hai hamare paas ek pehle wala point hai age of majority ke andar pehle wala point hai hum point to point jaane ka pasand karenge a contract made with IFPB a contract made with किसी भी माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उस माइनर के एग्रीमेंट की और वो माइनर की पोजीशन क्या है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही वॉइड वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग यू नो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो तो हमने पहले ही पढ़ा ना अगर किसी माइनर ने माइनर क्यों बोलते हैं उसको क्योंकि 18 इयर्स की एज क्रॉस नहीं की है तो माइनर इज एब्सोल्युटली नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट उसकी औकात ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की और अगर किसी माइनर के साथ कभी भी कोई एग्रीमेंट हुआ है एनी एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड और इनिशियो हमारे पास इसके लिए एक लीडिंग केस है उसको भी हम पढ़ लेते हैं इन द लीडिंग केस ऑफ मोहनी बीबी In the case of Mohri Bibi versus Dharmadas Ghosh, 1903 में हुआ था एक माइनर था माइनर उसने 20,000 बोरो किए बी से एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज मॉर्गेज आपको पता है ना किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मॉर्गेज किया जाता है इन हिज फेवर ही बिकेम अ मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीनों के बाद मेजर हो गया वो एंड फाइनल स्यू देखो मेजर हो गया होशियार हो गया बंदा स्यू मतलब केस कर दिया उसने बराबर केस कर दिया फॉर द डिक्लेरेशन दैट द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वाज वॉइड देखो होशियार हो गया खुद बोलता है भाई मैंने तो जो किया था वो तो मैं माइनर था तो अभी ये सब उसको वॉइड है कुछ हो नहीं सकता एंड शुड बी कैंसल ये सब कैंसल करो It was held that the mortgage by a minor was void and he was not entitled for the repayment of the money. Further, और कुछ हो गया देखो ज्यादा जो मनी लेंडर था उसका रिक्वेस्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ एडवांस फॉर द रीपेमेंट ऑफ एडवांस टू द माइनर इज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मॉर्गेज के अगेंस्ट में समथिंग इन रिटर्न मॉर्गेज के अगेंस्ट में भी उसने रीपेमेंट मांगा कि मेरे नाम पे तो मॉर्गेज है उसने अंडरटेकिंग दिया है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया बेचारा इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 दैट अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट यू नो समझ रहे हो हम आपको याद करा दें हम क्या पढ़ रहे थे फिर से याद करा दें हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग हमने पढ़ा वो इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में हमने पढ़ा यू नो हमने वहां पे तीन चीजें पढ़ी जिस किसी ने भी एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिस किसी का भी साउंड माइंड है माइंड साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सॉरी एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच इज सब्जेक्ट वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नाउ लॉ रिलेटेड टू माइनर्स एग्रीमेंट एंड पोजीशन ऑफ अ माइनर उसके अंदर हमने एज ऑफ मेजॉरिटी के अंदर पढ़ रहे हैं A contract made with or by a minor is void ab initio. Second point, no ratification after attaining the age of majority. No ratification after attaining the age of majority. Ratification मतलब क्या?
आप उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं कर सकते, कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने माइनर एज अ माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एज सून एज यू बिकम मेजर, उसके बाद में अगर आप कोई करेक्शन करना चाहो नहीं कर सकते, इट वॉज वॉइड एब इनिशियो। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाइड, करेक्ट बोल दो उसको करेक्शन नहीं हो सकता। द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब तो वो क्या था, माइनर था। एंड अ वॉइड एग्रीमेंट क्या, नेवर बी रेटिफाइड, आप कभी भी वॉइड एग्रीमेंट को रेटिफाई करेक्ट नहीं कर सकते। यू नो हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, एक्स है क्या था, माइनर था, मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई, चलो क्या प्रॉमिसरी नोट कर दिया भाई, माइनर ने बोला ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा ही कैन नॉट रेटिफाई जो भी था, वॉट एवर द प्रॉमिसरी नोट, अटेनिंग मैच्योरिटी वो वापस उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड ही मेक्स अ न्यू प्रॉमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, हियर द न्यू प्रॉमिसरी नोट व्हिच इज ही हैज डिक्लेयर्ड आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी इज आल्सो वॉइड बी विदाउट कंसीडरेशन। ये ना कभी कभी बच्चे को ये लाइन पता नहीं चलती है, यहां से ऐसे ये क्या होता है, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ए क्या था, माइनर था, और ये ऑब्वियसली मेजर ही होगा, तो यहां पे इन दोनों को जो भी फायदा होना था, जो ऑब्लिगेशन था, जो राइट्स था, उन दोनों का उस टाइम पे भी हो गया। अब ये बंदा मेजर होने के बाद एक नया वाला प्रॉमिसरी नोट बनाता है, नया वाला, तो जब वो मेजर हुआ तब उसको कंसीडरेशन क्या मिला, रिटर्न में क्या मिला, उसको राइट क्या था, वो तो उसने एज अ माइनर ही ले लिया, यू नो। तो इसका मतलब होता है इट इज जब मेजर हो गया इज ऑल्सो वॉइड बीइंग विदाउट कंसीडरेशन, जब मेजर हुआ वो बंदा बड़ा हुआ तब उसको समथिंग इन रिटर्न क्या मिला, वो तो एज अ माइनर मिला था, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ऑफ इनिशियो था, क्योंकि व्हाटएवर द बेनिफिट ही और शी हैज रिसीव्ड इट वाज वैलिड जब वो माइनर था या माइनर थी, बीइंग अ मेजर उसको बिल्कुल बिल्कुल समथिंग इन रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, यू नो। तो बच्चों अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, इट इज माय स्टाइल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, हम आज दो ही पॉइंट कवर करेंगे, यू नो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, मुझे नहीं पता मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं कितना नर्वस हूं, फिर भी मैं फिर से ट्राई करता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे ग्लिच था, थोड़ा संभाल लेना है, अप्रिशिएट कर लेना। कैपेसिटी रिफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन सेक्शन 11 हमें बताता है किसकी औकात होती है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कर सकता है, जो जो मेजर है, 18 साल हो चुका है, जिसके दिमाग में से आवाज नहीं आ रहा है, साउंड माइंड मतलब दिमाग में से आवाज नहीं आना, उसका मतलब ऐसा होता है बेटा वो मंदबुद्धि नहीं, ल्यूनेटिक नहीं है, और किसी भी कायदे के तहत वहां पे वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। उसका एग्जांपल दिया था मैंने, वो आसाम का, आंध्र प्रदेश का। एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के तहत करें आता है, भारत में रहने वाला कोई भी लड़का लड़की एज सून एज अचीव्ड 18 इयर्स ऑफ एज वो मेजर कहलाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, वो शुरुआत से ही वो वॉइड है, फिर उसके अंदर नो रेटिफिकेशन किया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, एज अ माइनर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको क्या हम रेटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 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 भी नहीं कर सकते। तो गाइस आज हमने बहुत हल्का सा पढ़ा, यू नो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छा था, हम बनाते रहेंगे, दिस वॉज अ पार्ट वन, वी विल मेक पार्ट टू वेरी सून, बेसिकली शाम को या कल भी बना सकते हैं। थैंक यू गाइस।